उन्मोचित होइछि बहुचर्चित पुस्तक आरएसएस 360 डिग्री रो ओडिया संस्करण लेखिका नवज्योति राय को द्वारा अनुवादित पुस्तक को उन्मोचन करिसेंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। उन्मोचन कार्यक्रम रे मुख्य वक्ता भाबे जोग दैथिले पुस्तक रो मूल लेखक डॉक्टर रतन सारदा एथिसहित संघ रो अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर गोपाल प्रसाद महापात्र एवं कथा एवं निर्देशक शुभ्रांशु पंडा कार्यक्रम रे सम्मानित अतिथि रही थे। ए अवसर केन्द्रमंत्री निज अभिभाषण रे कहिथिले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस रो लोकप्रियता विश्व दरबार रे पहुंचीछि। ओडिशा रे किभली आरएसएस रे लोकप्रियता आहुरी बढ़ो मोर इच्छा थिला। आरएसएस 360 डिग्री पुस्तक मो इच्छा को पूर्ण करिछि। या सहित पवित्र सनातन धर्म संपर्क रे आलोकपात करिथिले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। लेखक संघ विचारधारार जने बड़ प्रवक्ता डॉक्टर रतन सारदा द्वारा इंग्लिश रे लेखा जाइथिबा आरएसएस 360 रो ओडिया अनुवाद आज आदरणीय श्री राय द्वारा होइछ भल बहीटी होइछ लोक भाषा रे सरल भाषा रे से बही रो अनुवाद होइछ। ये बही ओडिशा रे ओडिया समाज को संघ सह निकटता बढ़ेबारे संघ को ओडिया समाज संगे जोड़ीबारे डॉक्टर सारदांकर आदरणीय श्रीमती रायंकर अनुवादित बही निश्चित भाव सहायक हम संघ को विभिन्न उपाय लोक मैंने बुझुच्च जे जो भाई भाव देखुच्छी से अनुसार बुझु कि संघर गोटे पूर्णांग दृष्टिभंगी को आखि आगे रखी आरएसएस 360 डिग्री ये पुस्तकटर रचना डॉक्टर रतन सारदा कर संघर अंग उपांग प्रत्येक विषय तार विचारधारा तार कार्यपद्धति तार सिद्धांत एवं आज दिन में यार प्रासंगिकता यार आवश्यकता ये सबू जिनस को आखि आगे रखी ये पुस्तकटर रचना करा जाएगी। मैंने ये पुस्तक लिखी थी उस समय इंग्लिश में लिखी थी। मैं समझता हूँ कि इंग्लिश पढ़ने वाले जल्दी जड़ों से कटते हैं, ये सोच के इंग्लिश में लिखी थी। फिर उसका अनुवाद हिंदी में हुआ। लेकिन ये बात जनता तक जानी चाहिए कि संघ यानी क्या। तो संघ का एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव देने के लिए उसका अनुवाद जो उड़िया में हुआ उसका बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ इन पब्लिशर्स को कि सभी लोग भारत भर के संघों को समझें।